दोस्तों ये घटना है 7 सितंबर 2010 की, जब एक रशियन फ्लाइट TU-154 81 लोगों को लेकर मॉस्को जा रही थी। और जब ये फ्लाइट लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तभी जहाज के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने अचानक से काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये फ्लाइट क्रैश होने ही वाली थी। लेकिन प्लेन के पायलट ने अपनी समझदारी से एक गिलास और एक पानी की बोतल का यूज करके इस प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया और प्लेन के सारे पैसेंजर्स की जान बचा ली। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन के नेविगेशन सिस्टम और रेडियो सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पायलट को अपनी लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा था। इसीलिए पायलट फ्लाइट को लो एल्टीट्यूड पर लेकर आए। दोस्तों ऐसा करने पर उनको सच में एक पुराना रनवे दिखाई दे गया। लेकिन पायलट के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि फ्लाइट सीधी उड़ रही है या टेढ़ी। तभी पायलट ने पानी की बोतल से गिलास में पानी भरा और उसको कॉकपिट में रख दिया। और जब गिलास में पानी की सरफेस एकदम फ्लैट हो गई, तो पायलट समझ गया कि फ्लाइट अब सीधी उड़ रही है, जिसके बाद उन्होंने एक सक्सेसफुल लैंडिंग की और सभी पैसेंजर्स की जान बच गई।